नमस्कार दोस्तों, जैसा कि 12,460 शिक्षक भर्ती में जो रिजर्व आदेश था वो फाइनली आ चुका है और 0 और 51 को मिलाते हुए भर्ती करने का आदेश हाईकोर्ट ने दे दिया है। अब आगे का जो कार्य है वो सरकार का यहाँ पर बचा हुआ है, सरकार को भर्ती करनी है। इसीलिए दोस्तों आज मोहित एंड टीम के माध्यम से DG सर और सचिव परिषद की तरफ से मुलाकात देखने को मिली है। तो क्या क्या चीज़ें हैं, क्या उन्होंने पोस्ट के माध्यम से कहा है, उन चीज़ों को जरा सा देख लेते हैं। देखिए, उन्होंने कहा है कि 8 नवंबर आज टीम की DG सर और परिषद सचिव सर से मिलकर भर्ती को पूर्ण कराने के लिए निवेदन किया गया है। जी हाँ, वहाँ पर उनको ऑर्डर दिखाया गया होगा और बताया गया होगा कि पिछले 6 सालों से भर्ती लंबित है, उसको लेकर उनको जानकारी दे दी गई है। ठीक है, साथ में ये भी निवेदन किया गया है कि 12,460 जो भी आवेदक हैं वो सोशल मीडिया पर, ट्विटर पर और फेसबुक पर पूरी ताकत लगाकर, यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा ट्वीट करिए सोशल मीडिया के, फेसबुक पर, सभी तरह से आप आवाज़ को अपने उठाइए। इसका मतलब है कहीं ना कहीं DG सर और सचिव परिषद जी की तरफ से यही आश्वासन देखने को मिला होगा कि ठीक, हम इस पर जल्दी कार्रवाई करेंगे, जल्दी भर्ती को पूर्ण करेंगे। केवल इतना ही आश्वासन देखने को मिला है, क्योंकि इससे ज़्यादा कुछ पॉजिटिव अगर होता तो आपको जो है कुछ यहाँ पर बड़ी पोस्ट भी देखने को मिल सकती थी। मैंने आपको कहा था कि ना, सरकार हो सकता है कि ज़्यादा रुचि ना भी दिखाए, बाकी चीज़ें यही हैं। अभी सामने यही चीज़ें देखने को मिल रही हैं, पोस्ट के माध्यम से ये सभी चीज़ें देखने को मिल रही हैं, समझ में आ रही। बाकी आगे जो अपडेट आएगी हम आपको लगातार सूचना देते रहेंगे। आप लोग इनके कहने के अनुसार ज़्यादा से ज़्यादा सोशल मीडिया पर अपनी बातों को रखें, ट्विटर के माध्यम से, फेसबुक के माध्यम से अपनी आवाज़ को बुलंद करें, ताकि सरकार जिस तरह से कोर्ट ने आपको दिवाली का तोहफा दिया, उसी तरह से सरकार भी आपको 9 वर्ष का तोहफा दे दे। जी हाँ, क्योंकि दिवाली का तोहफा तो नहीं दे सकती कि अभी 4 दिन में भर्ती को कर दे, लेकिन 9 वर्ष का तोहफा दे सकती है। और 9 वर्ष यानी कि 2024 शुरू होने से पहले आपको नियुक्ति पत्र वितरित किया जा सकता है। तो इसके लिए आपको एक छोटा सा प्रयास करना होगा, तो प्रयास जारी कर दीजिए। बाकी जो अपडेट आएगी हम आपको लगातार अपडेट करते रहेंगे।